सो यहाँ से अब हमको सेट करना है। मैं यहाँ पे ये जो मेरा शेयर नाम का क्लास है वो मैंने सेट किया। इसके दो पार्ट करने हैं, फुटर के, और यहाँ पे मुझे अलग अलग पार्ट करने हैं। मैं यहाँ पे क्लास ऐड करूँगा कॉल डैश टू, इसकी कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी, यहाँ पे जाऊँगा पेस कंट्रोल वी स्पेस कंट्रोल वी स्पेस कंट्रोल वी स्पेस कंट्रोल वी। यहाँ पे मुझे दो पार्ट करने हैं तो इस डिव में जाऊँगा, यहाँ पे क्लास दूंगा मैं एंटर कॉल डैश सिक्स, और यहाँ पे जाऊँगा मैं स्पेस क्लास एंटर कॉल डैश सिक्स। तो इसके दो पार्ट हो गए, और इसके मुझे जैसे पार्ट चाहिए इतने हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 10 पार्ट में ये डिवाइड होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा कॉल सिक्स सिक्स। हम यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू इन ब्राउज़र, देखो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे दो दो पार्ट हो गए, कंप्लीट चल रहा है। अब हम इसको मोबाइल की साइज़ में देखेंगे, मोबाइल यहाँ पे भी परफेक्ट चल रहा है, शेयर लाइक सब्सक्राइब फोटोज दो दो कंप्लीट आ रहा है। मोबाइल में टैबलेट सब भी स्क्रीन में मेरा परफेक्ट वर्क कर रहा है, जितने भी मेरे पार्ट हुए अब तक। यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मैं ये यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे कट हो रहा है। तो यहाँ पे क्यों कट हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो दो कॉलम में डाला है तो एक कॉलम का गैप हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है, कट थोड़ा स्पेस जो है उसका सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से दे दूंगा 3 कॉलम, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और इसको दे देता हूँ मैं 3। कंट्रोल एस से रिफ्रेश, अभी भी थोड़ा कट हो रहा है। इसको मैं काम करता हूँ, नीचे ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे नीचे आ रहा है 1, उसके नीचे ये, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी सब लाइन में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, कॉल 2 जो है इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा कंट्रोल एक्स, और मीडिया क्वेरी में ला के पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्राउज़र, अभी बराबर चल रहा है। यहाँ पे मैंने जो सेट किया था कॉलम वो फिर से मुझे वही 2, और यहाँ से 2, सेव रिफ्रेश, अब परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे भी कंप्लीट चल रहा है मेरा। तो मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, कंडीशन चेंज कर दी पूरी, कि 7, 6, 8 से अगर बड़ी साइज में कोई ये डिवाइस में कोई वेबसाइट मेरी ओपन करेगा तो उसमें ये कंडीशन लोड होगी, उसके अलावा यानी कि मोबाइल में कोई मेरा ये लेआउट ओपन करेगा तो उसमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो फ्लॉट नन होता है वो कंडीशन ये वाली क्या होगी, अप्लाई होगी। यहाँ पे दो पार्ट हो गए, कॉलम 6 और कॉलम 6। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मीडिया क्वेरी में ये कॉलम लोड पहले से करके रखा था तो ये इफेक्ट परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सेट करना है, इसके बीच में एक सोशल मीडिया के रिलेटेड एक पूरा ड्यू ऐड करना है, और यहाँ पे सब में मुझे करना है आइकन सेट करना है। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे DIV लूँगा, क्लास दूंगा अप्लाई। अब यहाँ पे दो दो पार्ट हो रहे हैं, अब मुझे 3 पार्ट करने हैं, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 3, 3, 6, 3, 9, 4, कॉल 4, कॉल 4, और यहाँ पे क्लास दूंगा मैं कॉल 4। इसको बंद कर दूंगा मैं,
अब मैं यहाँ पे डालूँगा अनऑर्डर लिस्ट यूएल, यूएल को बंद कर दूँगा। यहाँ पे डाल दूँगा मैं एल आई, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं डालूँगा मेरे सोशल आइकन के, तो अब मैं जाऊँगा मोजिला में, गूगल में जाएंगे, एंटर। यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉन्ट ऑसम सी डी एन ए। सी डी एन ए से मैं डायरेक्ट मेरा जो कोड है उसको डिटेक्ट कर लूँगा। राइट क्लिक करके मैंने ओपन कर दिया फॉन्ट ऑसम का सी डी एन ए कोड, ये है। इसको कंट्रोल सी कॉपी कर दिया और सब लाइन में गया। यहाँ पे दूंगा लिंक टैब और यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल एस। तो मेरा जो सारा फॉन्ट ऑसम बूटस्ट्रैप का सी डी एन ए कोड मैंने लोड कर दिया, तो सभी आइकन मेरे बाय डिफॉल्ट लोड हो जाएंगे। अब मुझे कौन कौन से आइकन चाहिए। फॉन्ट ऑसम में मैं जाऊँगा, सबसे पहले मुझे चाहिए सोशल मीडिया के रिलेटेड आइकन्स, तो मैं यहाँ आइकन पे क्लिक करूँगा और नीचे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे यूट्यूब, वर्डप्रेस, फेसबुक, गूगल प्लस, फेसबुक आ रहा है, यहाँ से मैं ले लूँगा फेसबुक। इस लाइन को, इस कोड को हम कॉपी करेंगे, सब लाइन में जाएंगे, यहाँ नीचे जाके एल आई के अंदर कर दूँगा कंट्रोल वी कंट्रोल एस। अब दूसरा मुझे कोड चाहिए गूगल प्लस, गूगल प्लस, फिर ट्विटर, ट्विटर, ट्विटर का, उसके बाद गूगल प्लस, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से ले लूँगा मैं यूट्यूब का। यहाँ से गूगल प्लस के कोड को हम कॉपी करेंगे, सब लाइन में जाएंगे, यहाँ पे एक एल आई डाल दूँगा मैं, दूसरा एल आई लिस्ट ऑर्डर, उसके अंदर गूगल कोड को कॉपी कर दूँगा। गूगल के कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, दूसरा एल आई लिया, इसके अंदर ट्विटर का कोड लूँगा मैं यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ जाके कंट्रोल वी, और एक दूसरा एल आई लूँगा मैं और उसके अंदर ऐड करूँगा मैं यूट्यूब, यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ जाके कंट्रोल वी कंट्रोल एस। इसको पूरा मैनेज कर दूँगा मैं। यहाँ से एल आई कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये एल आई कंप्लीट, यहाँ से एल आई स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डिलीट डिलीट, यहाँ लास्ट में जाऊँगा मैं, यहाँ पे डिलीट और यहाँ पे मेरा एल आई नहीं है, एल आई है ये बराबर है, यहाँ पे जाऊँगा मैं डिलीट, तो मेरा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, सभी कोड मैंने ऐड कर दिए हैं। ब्राउज में जाएंगे, प्रीव्यू देखेंगे, देखो यहाँ पे अभी कंप्लीट आ रहा है मेरा। अब हम यहाँ पे एक क्लास बना देंगे यहाँ पे सोशल मीडिया करके, और उसके अंदर मैं इसको सेट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे दे दूँगा मैं ड्यू के अंदर क्लास सोशल, सोशल, सोशल करके मैंने क्लास बनाया, इसको कॉपी कर लूँगा मैं, सब लाइन में जाऊँगा और यहाँ पे फुटर के नीचे डॉट करके कंट्रोल वी, यहाँ पे इसका मार्जिन जो है वो मैं 0 कर दूँगा, पैडिंग 0 पिक्सल,
ठीक है, फिर सोशल के अंदर है मेरा कंट्रोल यू एल को मैं कर दूंगा। यहाँ से मार्जिन जो है वो 0 पिक्सल, पैडिंग दे दूंगा मैं 0 पिक्सल। इसको मैं करूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप नन। उससे क्या होगा, तो इससे हमारे जो ये बुलेट्स आ रहे हैं यहाँ पे UL, यहाँ पे हमने सेव नहीं किया, यहाँ पे जाऊँगा मैं UL, हाँ बुलेट चले गए। बुलेट निकालने के लिए आपको लिस्ट स्टाइल टाइप नन करना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से लूँगा कंट्रोल सी एंटर, कंट्रोल भी एल आया है उसके अंदर। यहाँ से दूंगा मैं इसको मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। इसको दे दूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, रिफ्रेश, देखो लाइन में आ गए। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से वो ब्लॉक बन जाएगा और इनलाइन यानी एक लाइन में आ जाएंगे। तो मेरे सोशल मीडिया के आइकन जो है वो ऐड हो गए। अब यहाँ पे दूंगा मैं अब यहाँ पे मैं दे दूंगा मेरे टेक्स्ट को अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेव। यहाँ पे दूंगा मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50, -50 सेव। यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे दूंगा इसकी विथ रहेगी मेरी 50 पिक्सल्स, इसकी हाइट रहेगी मेरी 50 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दूंगा मैं यहाँ पे, हाँ दूंगा यहाँ पे लाइन हाइट 25 पिक्सल की लाइन हाइट डाल दूंगा। फॉन्ट की में साइज दे दूंगा 20 पिक्सल्स। यहाँ पे दे दूंगा मैं पोजीशन, ये पोजीशन मेरी रहेगी रिलेटिव। पर डाल देंगे टेक्स्ट का कलर एस 2626 सेव। और यहाँ पे दे देंगे बॉर्डर रेडियस 50% सेव। बैकग्राउंड कलर तो हमने दिया ही नहीं है, बैकग्राउंड के बगैर पता कैसे चलेगा। बैकग्राउंड कलर हम डाल देंगे, अभी मैं डाल रहा हूँ FF सेव। इसका प्रीव्यू देखते हैं, प्रीव्यू।